अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। आज फिर एक नई रेसिपी शेयर करूँगी मैं आप सभी के साथ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और आपके अपने चैनल तम्मोज किचन को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आज मैं शेयर करूँगी साबुत मसूर की दाल, काली मसूर की दाल भी कहते हैं इसे, और इसे अक्खा मसूर भी कहते हैं। यहाँ पर हम अक्खा मसूर ही कहते हैं फ्रेंड्स। अक्खा मसूर ली हूँ मैं 1/2 किलो, 250 ग्राम अक्खा मसूर लेके इसे 3 घंटे पहले भिगो कर रखी हूँ। 2 से 3 बार अच्छे तरीके से धो लीजिए और इसे भिगो कर रखिए। अगर आपके पास वक्त नहीं है, कम से कम आधा घंटे पहले तो भिगो कर ज़रूर रखिएगा। बहुत ही टेस्टफुल रेसिपी है फ्रेंड्स, ट्राई ज़रूर करिए। हमने 250 ग्राम अक्खा मसूर के लिए लिए हैं बड़े साइज़ के 2 टमाटर रफली चॉप कर, और 1 बड़े साइज़ की प्याज लिए, इसे भी रफली चॉप किए हैं। फाइन चॉप करने की ज़रूरत नहीं है हमें इसमें। टमाटर और प्याज हम रफली चॉप कर लेंगे। साथ में लेंगे हम थोड़े से खड़े मसाले, दालचीनी का टुकड़ा 1 इंच का लेंगे। यहाँ पर लेंगे 1 बड़ी इलायची और 2 लेंगे हरी इलायची, और 1 टीस्पून लेंगे इसमें जीरा, सफ़ेद जीरा लिए हैं हमने इसमें, और 2 तेज़पत्ते। हमें इसमें और ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल सी और आसान सी रेसिपी है, टेस्टफुल भी बहुत है फ्रेंड्स, ट्राई ज़रूर करिएगा। और इसे हम बनाएंगे कुकर में। कुकर में हमने तेल डाले हैं 1 बड़े चम्मच से 1 चम्मच। फिर इसमें हमने डाले हैं जो खड़े मसाले लिए हैं। हमने खड़े मसालों में बड़ी इलायची, दालचीनी और तेज़पत्ता ही लिया, जीरा और 2 हरी इलायची डाले हैं। हमारे मसाले अच्छे से चटक चुके हैं फ्रेंड्स। इसमें हमने प्याज डाले हैं। प्याज को हम हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक के पकाएंगे, ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, यानी कि इसका कलर डार्क चेंज नहीं करना है हमें। प्याज हमारे हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो गई है, इसमें अब हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, फुल भरकर डाली हूँ फ्रेंड्स। अदरक लहसुन आप चॉप कर भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर पेस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। अदरक लहसुन को हम 2 मिनट पका लेंगे। अदरक लहसुन का कच्चापन जैसे ही ख़त्म होगा हम इसमें डाल देंगे टमाटर। मीडियम फ्लेम पे हमने अदरक लहसुन को 2 मिनट पहले फ्राई कर लिए हैं। फिर इसमें टमाटर डाले हैं। टमाटर डालकर हम तुरंत इसमें डालेंगे नमक 1 टीस्पून। टमाटर का थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करिएगा। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाले हैं। अच्छे तरीके से मिला लेंगे टमाटर को। नमक डालने से टमाटर जल्दी गल जाएंगे। इसमें डालेंगे हम 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 टीस्पून डालें इसमें हमने गरम मसाला। अच्छे तरीके से मसाला डालकर हम मिला लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम धनिया पाउडर। धनिया पाउडर में दरदरी कुटी हुई डाली हूँ फ्रेंड्स, फाइन पाउडर नहीं है, दरदरी कूट कर डाल दीजिए। जो साबुत धनिया आती है उसे मिक्सर में थोड़ा सा चला लीजिए और वो डाल दीजिए। साबुत धनिया को हम पीस कर डालते हैं ना, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। अगर आपके पास नहीं है धनिया पाउडर है तो वो डाल सकते हैं। मसालों को आप 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से भून लीजिए। मैं 3 मिनट भून ली हूँ। और इसमें डाल रहे हैं हम मसूर भिगोई हुई। हम मसूर भिगो कर रखते हैं ना फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टफुल लगती है खाने में। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आधा घंटा तो ज़रूर भिगाइएगा। अब मसूर डालकर हम इसे 3 मिनट लगातार चम्मच चलाते हुए मसालों के साथ में भूनेंगे। आपको ये प्रोसेस ज़रूर करना है। मसूर डालकर मसालों के साथ में 3 मिनट चम्मच चलाते हुए भून लीजिएगा। पानी नहीं ऐड करना है। फिर इसके बाद हम पानी डालेंगे। हमने इसमें पानी डाल दिए हैं, सॉरी फ्रेंड्स मैं बता नहीं पाई। इसमें मैं 2 ग्लास पानी डाली हूँ। कौन से ग्लास से डाली हूँ वो मैं बता देती हूँ आपको। ये देखिए, ये ग्लास से मैं इसमें 2 ग्लास पानी डाल दी हूँ। ये वाले ग्लास से डाल दीजिएगा। आपको जितना पतला चाहिए फ्रेंड्स, ये मसूर पकने के बाद बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, इसलिए मैं 2 ग्लास पानी ऐड की हूँ। और हमने इसकी 2 सीटियाँ लगा लिए हैं। 2 सीटी में हमारी दाल अच्छे तरीके से गल चुकी है। हमने ढक्कन खोल दिया है और अब हमने इसमें डाल दिए हैं हरी धनिया चॉप की हुई। अच्छे तरीके से मिला लीजिए। इतनी थिकनेस की हमारी दाल बनी है 2 ग्लास पानी डालकर। अगर आपको थोड़ा सा और पतला चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। मुझे ऐसे ही पसंद है, ये थिक दाल ही अच्छी लगती है फ्रेंड्स। रोटी चपाती के साथ में खाइए, चाहे चावल के साथ में खाइए। सिंपल सी रेसिपी है फ्रेंड्स, ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लग रही है तो 1 लाइक ज़रूर करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए फ्रेंड्स। हमने मसूर को निकाल लिए हैं। इसमें डालेंगे चॉप की भी थोड़ी सी हरी धनिया, और इसमें डालेंगे हम देसी घी 1 चम्मच। जब आप इसे सर्व करो देसी घी ज़रूर डालिएगा, टेस्ट ही चेंज हो जाता है फ्रेंड्स। देसी घी इसमें ज़रूर डालिए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ, पैकेट से ही डाल रही हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं अमूल का देसी घी डाल रही हूँ। आपके पास अगर देसी घी घर का है तो उसका इस्तेमाल करिए, और भी टेस्टफुल लगेगी। अक्खी मसूर की रेसिपी ट्राई ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह कल फिर मैं मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए, सेफ़ रहिए। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।